हेलो एवरीवन, दिस इज़ नवनीता एंड यू आर वाचिंग फैंटास्टिक मी। आज मैं बनाऊंगी गोभी मुसल्लम, जो कि वेजिटेरियन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि मुसल्लम बनता है नॉनवेज से, जैसे मुर्ग मुसल्लम, माही मुसल्लम, लेकिन मैं आज बनाऊंगी गोभी मुसल्लम। और मुसल्लम का जो मीनिंग है वो है होल, मतलब पूरा, गोटा, मतलब बंगालीज में बोलते हैं गोटा, और मतलब पूरा थिंग। और एक्चुअली मुसल्लम जो ये शब्द है ये आया है आपका मुसालिम से, जैसे मुर्ग मुसालिम, माही मुसालिम, लेकिन धीरे धीरे बोलते 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 वो जैसे कि अब हम उसको बोलते हैं मुसल्लम। खैर, गोभी मुसल्लम अब आज मैं बनाऊंगी। मैं और एक बात आपको शेयर कर दूं, जो गोभी है वो इंडियन वेजिटेबल नहीं है। गोभी पाया जाता था साइप्रस में, साइप्रस, मोरक्को, देन स्पेन होते हुए ब्रिटिश के साथ वो आए हैं इंडिया सन 1822 में। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने, मतलब ब्रिटिश ने गोभी को इंडिया लाया था। उसके बाद से मुसल्लम गोभी के साथ भी ट्राई किया गया, एंड वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा, मतलब एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही यमी एक्सपीरियंस था, सॉरी एक्सपेरिमेंट था वो, एंड है अभी भी। खैर, अब हम बनाएं गोभी मुसल्लम, और गोभी इंडियन वेजिटेबल नहीं है, और गोभी लाया गया था 1822 में, तो गोभी का रिश्ता हम लोग के साथ उतना पुराना भी नहीं है। तो कोई नहीं, अब हम बनाते हैं मुसल्लम, लेकिन प्लीज़ उसके पहले आपको वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी करना है, एंड सबके साथ शेयर करना है आपने। प्लीज़ ऐसा नहीं कि वीडियो देखो और बंद कर दो, प्लीज़ आपका सबके साथ शेयर करो, ताकि सबको पता चले ये रेसिपी है कि नहीं। एंड आपको, आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ 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 आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, वीडियो को भी पूरा देखिए, एंड कॉमेंट लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रोलिंग कैमरा एक्शन। गोभी को मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं चाकू से गोभी को अच्छे से पिक करूंगी। अच्छे से पिक करना है, ध्यान में रखते हुए कि गोभी ना कटे। अगर आपको चाकू से प्रॉब्लम होता है तो आप काटा भी यूज़ कर सकते हो। पिक करने से क्या होता है कि मसाला अच्छे से अंदर जाता है और इवेंटली गोभी पक भी जाता है। आप देख सकते हो एक पैन में मैं पानी को उबाल रही हूँ। इसमें मैं पहले डालूंगी तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी और इलायची। फिर मैं डालूंगी एक चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। अब मैं ऐड करूंगी गोभी और थोड़ा सा ऑयल या फिर घी, आप घी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और 50% तक इसको पकाऊंगी, मतलब ढक के इसको पकाना है 4 से 5 मिनट। अब 1 कप दही में 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके दही को अच्छे से बीट कर लूँगी। अब मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और फिर से मिक्स कर लूंगी। मैं अब ग्राइंड करूंगी गोल मिर्च, हरी मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी। अगर आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि बॉयल हो चुका है 60%। अब मैं पानी को कर दूंगी ड्रेन और गोभी को निकाल के सेपरेट कर दूंगी पानी से। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा घी, थोड़ा
कुछ मखाना रोस्ट कर लूँगी। आपको ध्यान रखना है रोस्ट जो करना है वो धीमे आंच पे करना है ताकि मखाना ना जले। अब मैं रोस्टेड मखाना और काजू को इकट्ठे पेस्ट कर लूँगी। मखाना ऑप्शनल है, मखाना आप यूज़ ना भी कर सकते हो। काजू पेस्ट इम्पॉर्टेंट है, काजू का पेस्ट आपको देना है। और अगर आप साथ में मखाना पेस्ट भी देते हो तो उसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इट्स ऑप्शनल मखाना, और बाकी मैं काजू का पेस्ट बना लूँगी। कढ़ाई में मैं घी को गर्म कर लूँगी। घी गर्म होने पर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल के हल्का सा सौटे कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट सौटे होने पर मैं डालूंगी प्याज। मैंने एक बड़ा वाला प्याज लिया हुआ है, उसको मैं बारीकी से कट करके मैं उसको अभी सौटे कर रही हूँ। प्याज सौटे हो चुका है, अब मैं डालूंगी 1 मीडियम साइज टमाटो। अब मसाले को अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक फ्राई करूंगी मीडियम आंच पे। मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी। फिर से 2 मिनट तक धीमी आंच में इसको पकाऊंगी। इसको तब तक फ्राई करना है जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब मसाला फ्राई भी हो चुका है। अब मैं ऐड करूंगी मखाना और काजू पेस्ट। आप क्रीम भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रखना अगर आप क्रीम यूज करते हो तो क्रीम पहले मत डालना, मतलब क्रीम डाल के आप उसको पकाना मत। अगर आप क्रीम डाल के उसको पकाते हो तो क्रीम का जो फ्लेवर है वो खराब हो जाता है। आप क्रीम सिर्फ गार्निशिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। अब मैं ऐड करूंगी 1/2 कप पानी, और पानी बॉईल होने पर डालूंगी चुटकी भर जायफल। आंच में 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। मुसलम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो पूरी तरह से गोभी पक चुका है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। आप प्लीज़ घर पे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही यम्मी रेसिपी है।